मैंने जो अलग अलग स्टेट के टॉप कॉलेजेस के वीडियो थे ना, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, वेस्ट बंगाल का हो, या दिल्ली का हो, यूपी का हो, तो उसमें कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया इतने स्टेट आप ट्रैवल कर चुके हैं आपका कंटेंट, लेकिन हरियाणा नहीं पहुँच रहे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से टॉप कॉलेजेस से आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए, किस तरीके के कॉलेजेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। जी, तो पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं, रैंक वन पे मैंने जिसको रखा वो है एनआईटी कुरुक्षेत्र। 1963 में स्टार्ट हुआ ये कॉलेज, एक गवर्नमेंट का कॉलेज है। 50 इसकी करंट एनआईएफ रैंकिंग है जी, और 300 एकर्स का इसका कैंपस कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इसको एनआईटी केकेआर भी बोलते हैं कुरुक्षेत्र की वजह से। विदाउट हॉस्टल यहाँ पे जो है 6 लाख तक फी आता है। अगर आपको नहीं पता ना कि अगर आप एनआईटी से बीटेक करते हैं तो आपको कितना टोटल खर्चा आएगा, यानी कि आपका बजट कितना होना चाहिए, तो इस आई बटन पे मैंने वीडियो दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर के वो देख लेना, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हॉस्टल्स में, एकेडमिक्स में क्या कुछ लगता है, एग्जाम फी क्या कुछ लगता है, ड्रेस कोड्स वगैरह में क्या फी लगता है, लाइब्रेरी में क्या फी लगता है, मेस में क्या लगता है, वो सारा वहाँ पे मैंने कवर कर रखा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लेसमेंट्स का, तो सीटीसी की बात करूं तो एवरेज सीटीसी जो है ना 13.8 लाख पर एनम का जा रहा है। जी हाँ, वहीं पे सीएससी की मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो 19.81 लाख पर एनम का जा रहा है, 19,80,000 रुपये पर एनम का सीटीसी एवरेज जा रहा है कंप्यूटर साइंस में। मीडियम सीटीसी की मैं बात करूं अक्रॉस ब्रांचेस, तो 10.92 लाख पर एनम का जा रहा है, और हाईएस्ट सीटीसी इस बार की अगर मैं बात करूं तो 1.25 करोड़ पर एनम का ऑफर करा गया है। नेक्स्ट जिसको मैंने रैंक टू पे रखा है वो है ट्रिपल आईटी सोनी पर, 2014 में स्टार्ट हुआ था। अभी ये जितने बहुत सारे बेबी ट्रिपल आईटीज है उस पर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो आप वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ और कितने ट्रिपल आईटी स्टार्ट करे गए थे और आज की डेट में उनका परफॉर्मेंस क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कॉलेज चलाया जाता है, यानी कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं। एनआर फ्रैंकिंग की बात करूं तो अभी अवेलेबल नहीं है इसकी। कैंपस साइज की अगर मैं बात करूं तो अंडर कंस्ट्रक्शन है इसका कैंपस सोनीपत में। अभी की अगर मैं बात करूं जहां से कॉलेज ऑपरेट किया जा रहा है, तो सोनीपत बागपत इंडस्ट्रियल एरिया से कॉलेज फिलहाल ऑपरेट किया जा रहा है। फुल नेम की बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत इसका पूरा नाम है। विदाउट हॉस्टल यहाँ पे 8.3 लाख रुपये का आपका जो फी लगने वाला है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो हाईएस्ट यहाँ पे जो है 44 लाख पर एनम का गया। एवरेज की मैं बात करूं तो 13.16 लाख पर एनम का जा रहा है। मीडियम की बात करूं तो 12 लाख पर एनम का जा रहा है। वहीं पे लोएस्ट पैकेज की बात करूं, वहाँ जी बहुत आप लोगों के रिक्वेस्ट आया है भैया लोएस्ट की बात क्यों नहीं करता, वो जानना जरूरी भी है। तो यहाँ पे 5 लाख पर एनम का लोएस्ट पैकेज जा रहा है। नेक्स्ट है YMCA फरीदाबाद, 1989 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग जो है 143 है और ये गवर्नमेंट का कॉलेज है। 143 इसकी एनआरएफ रैंकिंग है, 20 एकर्स का इसका कैंपस है फरीदाबाद हरियाणा में। रिसेंटली इसका जो नाम जो है चेंज कर दिया गया, तो अब इसका जो नया नाम है वो जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अप्रॉक्स टोटल फी की अगर मैं बात करूँ यहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में, तो विदाउट हॉस्टल आपका अप्रॉक्स 4 लाख रुपये का फी लगने वाला है। प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो एक बात क्लियर कर दूँ कि प्लेसमेंट के मामले में YMCA फरीदाबाद में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम लो लेवल पे देखने को मिलती है। वेबसाइट पे आप सब जाओगे, जब तक मैंने विजिट करा था मेरे को तो 2021 का प्लेसमेंट दिख रहा है, और ऐसे उसको न्यूज़ में भी प्लेसमेंट्स के बारे में ऐसा कुछ छपा नहीं है खबर, तो इस वजह से मेरे को इसको थोड़ा सा रैंक नीचे भी रखना पड़ा। तो मैं आपको 2021 का ही प्लेसमेंट्स यहाँ पे बता पाऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट प्लेसमेंट मुझे नहीं पता और अवेलेबल भी नहीं है कॉलेज की वेबसाइट पर। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो 2021 की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज सीटीसी 7.8 लाख पर एनम का जा रहा था सीएससी में। वहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो 6.3 लाख पर एनम का जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बात करूँ तो 4.6 लाख पर एनम का जा रहा था। हाईएस्ट सीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो 29.92 लाख पर एनम का गया था, और लोएस्ट पैकेज जो था 3.6 लाख पर एनम का जा रहा है। अगला यूआईटी कुरुक्षेत्र। जी हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है इंजीनियरिंग के लिए, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। 2004 में स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट का कॉलेज है ये। इसकी एनआर रैंकिंग अवेलेबल नहीं है, और जो इसका इंजीनियरिंग विंग है इसका कैंपस साइज भी नहीं पता। अगर आप अपने स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली कैंपस साइज कमेंट करना कितना बड़ा है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो नाम से ही पता चलता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में ही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल फी का, तो अप्रॉक्स 50,000 रुपये से लेकर के 2,20,000 रुपये तक आपका फी आएगा, डिपेंड अपॉन कि आपकी कैटेगरी में आते हैं और आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, इस पर वैरी करता है। तो 50,000 से लेकर के 2,20,000 रुपये तक अप्रॉक्स आपका फी लगने वाला है विदाउट हॉस्टल। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो लोएस्ट पैकेज यहाँ पे 2.5 लाख पर एनम जा रहा है, जो कि ट्रिपल आईटी सोनीपत के लोएस्ट पैकेज से आधा है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 8 लाख पर एनम का जा रहा है, और एवरेज पैकेज जो है
4 लाख पर एनम का जा रहा है। अगेन ट्रिपल आईटी सोनी पर जो इतना नया है उससे भी इसका उसका जो लोएस्ट पैकेज 5 लाख का था उससे इसका जो एवरेज है अभी कम है, क्योंकि इसका एवरेज सिर्फ 4 का जा रहा है। तभी आप देखो कि आप ऐसी जगह से इंजीनियरिंग करने की सोचो जहाँ पर हाई बहुत है, जहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रहा हो तो बहुत जबरदस्त होगा, पर प्लेसमेंट्स का डेटा कुछ और ही कहता है। रैंक 5 पे मैंने जिसको रखा निफ्टम सोनी पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट का एक कॉलेज है, इसकी एनआरएफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। 100 एकर्स का इसका कैंपस है सोनीपत हरियाणा में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितना आपको टोटल फी लगता है, तो फूड टेक में अगर मैं बात करूँ फूड टेक्नोलॉजी में विदाउट हॉस्टल आपका अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास का फी लगने वाला है। प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोएस्ट पैकेज है 4 लाख का जा रहा है, हाईएस्ट पैकेज है वो 8 लाख पर एनम का जा रहा है, और एवरेज पैकेज है 5.5 लाख का जा रहा है। अब ये सब के सब मैं आपको करेंट बता रहा हूँ। और एक और बात और मैं इस कॉलेज के बारे में बताऊँ कि आज से 2-3 साल पहले तक इसका जो प्लेसमेंट था ऐसे अप जा रहा था, और अब जो है इसका प्लेसमेंट डाउन जा रहा है। जी हाँ, ईयर बाय ईयर इसका प्लेसमेंट जो है पहले से कम ही होता जा रहा है, यानी कि कॉलेज का परफॉर्मेंस जो है वो डाउन ग्रेड जा रहा है। तो इस कॉलेज को कंसीडर करने से पहले बेशक फूड टेक्नोलॉजी में ही आप इसको कंसीडर करने की सोच रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि इसका प्लेसमेंट का ट्रेंड जो है अब इस तरफ जा रहा है। इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जैसे GJU हो गया, हिसार का जो है, MDU हो गया, MDU का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो भी अच्छा है, अगेन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, देवीलाल यूनिवर्सिटी जो सिरसा में है उसका आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, मेरा एक सेपरेट वीडियो है कि कौन कौन से top 10 हरियाणा में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी स्टेट्स में कॉलेजेस हैं ना इंजीनियरिंग के, जो स्टेट फंडेड कॉलेजेस हैं उनका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, उनके जो प्लेसमेंट की क्वालिटी है वो उस लेवल का नहीं है जितना हरियाणा के अंदर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसमें, चाहे आप NIT का देख लो, IIIT सोनीपत का देख लो, इनके प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त है। अगेन उसके अलावा कोई भी स्टेट का जो कॉलेज है ना वो उसके आसपास नहीं टिकता है। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखो कि आप अपना इंजीनियरिंग ऐसी जगह से कंप्लीट करो जहाँ से आपको एक अच्छा पैकेज मिल सके और आपकी लर्निंग भी अच्छी हो और प्लेसमेंट का क्वालिटी भी अच्छा हो।